Hello, good morning students. Today in 11th class mathematics, we are starting exercise 15.1. We have discussed the main concepts in the previous classes and we'll be repeating those concepts which are required to solve the problems while we are doing the problems. Question number 1 se start kar rahe hain. Question number 1 dekh lijiye. Isme diya hai find the mean deviation about the mean. Aapko question number 1 aur 2 mein find the mean deviation about the mean. अब आपको सबसे पहले इसमें मीन निकालना है, फिर मीन डेविएशन निकालना. तो डेटा जो दिया हुआ है वो 4789 10 12 13 एंड 17. तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लीजिए. मीन कैलकुलेट करने का तरीका, सारी वैल्यूज को ऐड कर दो. 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाय वैल्यूज कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 से डिवाइड कर दो. तो ये सारी वैल्यूज को अगर ऐड करके 8 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 एंड 7 11, 11 एंड 9 20 एंड 8 28, 38 50, 50 एंड 30 80, 80 डिवाइडेड बाय 8, तो ये इसका आंसर आ गया 10. तो ये मीन आ गया. अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डेविएशंस, मतलब ये इंडिविजुअल वैल्यूज मीन से कितनी अलग हैं वो निकाल. सो वी विल बी मेकिंग अ टेबल एक्स आई, यहां पर लिख ले रहे हैं, एंड एक्स आई माइनस एक्स बार ये ले ले रहे हैं. अब एक्स आई कितना है बच्चों, ये ऑल दीज इंडिविजुअल वैल्यूज 4 7 8 9 10 12 13 एंड 17 ये एक्स आई आ गई. और इन सारी वैल्यूज में से एक्स बार माइनस करना है, एक्स बार यानी कि कितना, 10 माइनस करना है, और इन सभी की एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है. तो ये कितना आ जाएगा, सारी एक्स की वैल्यूज में से आप इस एवरेज को माइनस करो, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स. 4 माइनस 10 मतलब माइनस सिक्स, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आ जाएगी. अब 7 माइनस 10 मतलब माइनस 3, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ जाएगी. फिर इसी टाइप से ये वैल्यू 2 आएगी, ये वैल्यू 1, ये 0, ये 2, ये 3 और ये 7. सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी और इन सभी को आप ऐड कर लो. सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 एंड 3 9 एंड 2 11 एंड 1 12 एंड 2 14 एंड 3 17 एंड 7 दिस विल बी 24. सो द मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. ये जितना भी एडिशन आया है एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ डिवाइडेड बाय एन. तो ये वाली वैल्यूज का एडिशन बच्चों कितना है, 24, और डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो एन इसमें 8 है. सो द आंसर टू दिस विल बी 3. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज 3. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, उसमें भी सब कुछ सेम है, डेटा पर चेंज है. क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें जो वैल्यूज दी हुई है 38 70 48 40 48 40 42 48 40 42
अब इसमें वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है, तो एन की वैल्यू बच्चों 10 है। एक्स बार अगर निकालना है तो समीशन ऑफ एक्स, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय एन। एक्स की ये सारी वैल्यूज अगर आपको ऐड करनी है तो देखो ये तो बच्चों 100 आ जाएगा। विल जस्ट ट्राई टू सी कौन कौन से नंबर एड अप करके 100 दे रहे हैं, उनको अभी हम लोग अलग ले रहे हैं ठीक। फिर उसके बाद और कोई भी है नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें इनको ऐड करने पर 108 आएगा, फिर इनको ऐड करने पर 88 आएगा, फिर इनको ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा 97, और इनको ऐड करने पर 100 आ जाएगा, और इनको ऐड करने पर ये दोनों को ऐड करने पर 107 आ जाएगा। अब क्या मिलेगा बच्चों, 8 and 8 16, 16 and 7 23, 23 and 7 30, है ना, 30 आ जाएगा। तो 108 प्लस 88 प्लस 97 प्लस 100 प्लस 107, ये 30 आ गया। 8 and 9 17 and 3 कैरी ओवर का था तो 20, ये 500 आ गया। तो समीशन एक्स आई की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय 10। आपको जैसे भी ऐड करना आप अपने तरीके से ऐड कर लीजिएगा, हमें जैसा सिंपल लगता है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इनको सबको टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर लें। एक्स आई और यहां पर एक्स आई माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक्स आई कितनी है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 and 44। ये सारी वैल्यूज ऑफ एक्स में से आप एक्स बार को माइनस कर लो। एक्स बार को माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, -12 आएगा। 38 माइनस 50, एक पूरा पूरा सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ये -12 आएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। सॉल्व करने पर बच्चों ये 12 आया, फिर उसके बाद ये 20 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आएगा, 13 4, एंड दिस इज ऑल्सो 4 एंड दिस इज 6, और इन सब का टोटल कर दो एब्सोल्यूट वैल्यूज का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों इसमें, ये 10 and 18 and 2 20, 20 and 20 40, 40, 45, 58, 62, 62 and 4 66, 6 and 6 72, एक बार और चेक कर लें, ये आ जाएगा 72 और 12, ये छूट गया बच्चों 84 आ गया। अब मीन डेविएशन, ये बच्चों ये डेविएशंस है, डेविएशंस मतलब एक्स की ये वैल्यूज मीन से कितनी अलग है ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म्स में कैलकुलेट किया। अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं लेते और एड अप अगर करते तो जीरो आता, हर एक प्रॉब्लम में ये जीरो आएगा। अगर आपने ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं ली होती तो ये जहां ये जितने भी नंबर्स आ रहे होते पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर जीरो आता। तो मीन डेविएशन लेने के लिए अभी हम क्या करते हैं, अबाउट मीन वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन विल बी समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। ये सारा 84 है और डिवाइडेड बाय 10 तो ये 8.4 आ जाएगा। सो 8.4 इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन।
अब मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू टेक व्हाट द मिडिल वैल्यूज, इफ ऑल द गिवन डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो मिडिल वैल्यू है वो मीडियन आती है। अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको देखना अच्छे से, इसमें जो वैल्यूज हैं 13, 17, 16, 14, ऐसा कुछ है 13, 17, 16, 14, फिर 11, 13, 10, 16, ऐसा कुछ है, ये चार वैल्यूज हैं, फिर 11, 18, ये वैल्यूज है। अब इसमें देखो सबसे छोटी वाली वैल्यू अगर अभी हम लोग स्टार्ट करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो बच्चों, ये 11 एक साइन हम कट करते जा रहे हैं, 11 दो बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, 11 के बाद बच्चों 12 है क्या, हाँ 12 है, तुम लोग ये 12 भी कर लिया, फिर उसके बाद 13 है क्या, यस 13 है, 13 दो बार है, तो ये 13 अभी हम लोगों ने दो बार लिख लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट 14, तो हाँ 14 भी है, फिर उसके बाद ये 16, ये 16, अच्छा इसमें 10 भी था बच्चों, 10 भी है एक वैल्यू, यू स्टार्टेड फ्रॉम 10, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है रब करने का, आपसे अगर ये गलती होती तो शायद इतना आसान नहीं होता, चलो 16 तक पहुंच गए, उसके बाद दो दो वैल्यूज कौन सी हैं, 17 की और फाइनली एक वैल्यू 18 की, तो 10 से लेकर 18 तक की सारी वैल्यूज आ गई, कितनी है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, तो n की वैल्यू बच्चों 12 में, अगर आप 12 वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 6th एंड 7th आर द टू मिड वैल्यूज, तो अब इसमें 6 कौन सा आ जाएगा, अगर आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही आ गया, ये 6th वाली वैल्यू है, ये 7th वाली वैल्यू है, तो मीडियन क्या आ जाएगा, इसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडियन को, ये कितना आ जाएगा 13 + 14 / 2, यानी ये 13.5 आ जाएगा, सो दिस इज द मीडियन, सो एक्स आई माइनस एम कर लीजिए, जैसे अभी हम लोग एवरेज माइनस कर रहे थे, अब एवरेज की जगह अभी हम लोग मीडियन लेने वाले, तो ये सारी वैल्यूज मीडियन से कितनी अलग हैं ये निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म्स। अब 10 माइनस 13.5 ये 3.5 आएगा, ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 आएगा, ये भी 2.5 आएगा और ये 1.5 आएगा, 13.5 से कितना लगेगा, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये 13.5 से कितना लगे 0.5, ये कितना लगे 2.5, ठीक, ये 2.5 और ये कितना है, ये 3.5, ये 3.5 और ये 4.5। अब ये सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लो, ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल एन जो है उससे डिवाइड कर दो। अब देखो एडिशन के लिए बच्चों अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, आपको जैसे ऐड करना हो जो कंफर्टेबल हो, ये 5 आ जाएगा, इन दोनों को मिलाकर भी 5 आ जाएगा, 5 और 5 10 आ गया, है ना, 10 और 1 11, तो यहां तक का टोटल तो बच्चों 11 आ गया, है ना। अब देखें इसमें ये कितना आ जाएगा 3,
ये 3 आ गया और ये कितना आ जाएगा दोनों मिलाकर, ये 3 है, ये 6 है और ये कितना है, ये 8 है। तो ये कितना आ जाएगा 3 and 6, 9 and 8, 17, 17 और 11, 28। तो बच्चों ये सबका टोटल 28 आ जाएगा। तो मीन डेविएशन, अब इसमें पूछा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एन 28 है, ये टोटल 28 और एन कितना है 12 है। बच्चों यहां कहीं पर लिख दे रहे हैं ये 28 डिवाइडेड बाय 12 यानी ये 6 आ जाएगा, 4 3 सा लिख दें तो ये सॉल्व करने पर 3 2 6 2.33 आ जाएगा इसका आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट मीडियन, ये भी मीडियन वाला प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यूज क्या दी हुई हैं,36, 72, 46, 42, 46, 42, 60, 45, कुछ वैल्यूज गलत ना हो जाए एक बार और देख लेंगे, 53, 46, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डेटा करेक्टली लिखें, है ना, क्योंकि कुछ भी एक आध नंबर छूट गया या गलत कॉपी कर लिया तो आंसर गलत आएगा डेफिनेटली। बस इसमें यही एक दिक्कत रहती है, इसमें थोड़ा सा कॉशियस होकर प्रॉब्लम्स में डेटा को कॉपी करना। 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 and 49, परफेक्टली ओके। अब अरेंज करना शुरू करें बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या है सबसे पहले, सबसे छोटा 36 एक्स आई, 36 हो गया, उसके बाद बच्चों 42 है, लो भाई 42 लिख लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद 45 है, लो भाई 45 आ गया, उसके बाद 46 है दो बार, ये 46 दो बार, उसके बाद क्या है 49 है, 49 भी हो गया, फिर उसके बाद 51, 53, 60 and 72। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब अरेंज कर लिया, कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज हैं। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यूज का जो मीन है
वो मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन निकालने का तरीका हम लोगों को पता चल गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये फिफ्थ वैल्यू है, ठीक, और उसके बाद सिक्स्थ वैल्यू, (46 + 49)/2 यानी कितना आ जाएगा, 47.5। तो xi - 47.5 ये लेना एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब टोटल डेटा जो है कितनी वैल्यूज है, टोटल n की वैल्यू 10 है, ये याद रखना, n की वैल्यू 10 है। अब सभी में से ये 47.5 माइनस कर दो, 47.5 - 36 यानी ये 11.5, ये 11.5 आ गया, और इसके बाद ये 5.5 आ गया, ये यहां पर 2.5 आ जाएगा, ठीक, और इधर पर कितना आ जाएगा, ये 1.5 आएगा, ये भी 1.5 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर कितना आएगा, ये 1.5 आएगा, फिर से यहां पर कितना आएगा, 3.5, ये 5.5 आएगा, और ये 12.5 आएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 24.5, ठीक। अब देखो वैल्यूज आप ऐड कर लो, 11 and 5, 16, इनमें एक काम करते हैं, विदाउट डेसिमल्स अभी हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, इलेवन एंड फाइव सिक्सटीन एंड 2, 18 and 119 and 120, 21, 24, 24, 29, 29 and 12, 29 and 12 will be 41, 41 and 24, 65। अब 65 तो आ गया, ठीक है, अब ये 0.5 10 टाइम्स है तो ये 5 आ जाएगा, मतलब ये टोटल 70 आ जाएगा, है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे वैसा ऐड कर लेना, हमें ऐसा इजी लगता है क्योंकि सारे डेसिमल पॉइंट्स एक जैसे थे, तो हमने पहले सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ऐड कर ली और फिर 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके 70 आ गया। ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन, ये 70 आया डिवाइडेड बाय 10 यानी 7 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें xi की वैल्यू, अब फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, फिर से अब मीन के कैलकुलेशन से, ठीक। अब लेकिन ये है डेटा जो है ग्रुप्ड है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं, ये तीसरा कॉलम सॉल्यूशन में आएगा, तो प्रॉब्लम है 5, 10 ये वैल्यूज दी हुई है, 7, 4, 6, 3, 5
एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, ये 35 आ गया, ये 40 आ गया, ये 90 आ गया, 23 जा 60 आ गया, 25 जा 125 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा टोटल इसका, ये दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा, ये 5 और 5 160 आ जाएगा, 160 एंड 40 200 एंड 150 350। ठीक, ऐसा कुछ आ गया टोटल बच्चों 350 आ गया। अब इसके बाद समेशन एफ आई 7 एंड 4 11, 11 एंड 6 17 एंड 3 20 एंड 125, 20 एंड 5 25। एक्स बार कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो फॉर्मूला चेंज हो गया, देखो अब इसमें फ्रीक्वेंसीज के साथ एक्स की वैल्यूज दिए हैं, मतलब 5 जो है दिस वैल्यू इज रिपीटेड 7 टाइम्स। सो द फॉर्मूला फॉर एवरेज इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये कितना आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 वंस आर 25, 10 बचा 10 और 0 100, तो एक्स बार की वैल्यू बच्चों कितनी 14 आ गई। अब क्या करेंगे, यहां पर एक्स आई माइनस एक्स बार और यहां पर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कैलकुलेशंस करेंगे। अब एक्स आई माइनस एक्स बार बच्चो अगर ये कॉलम कैलकुलेट करें एक्स आई माइनस एक्स बार तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से एक्स बार माइनस करो ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और यहां पर ये 1 आएगा, ठीक है, यहां पर ये 6 आएगा और यहां पर ये 11 आएगा। अब एफ आई से मल्टीप्लाई करो, ये 63, ये 16, ये 6, ये 18, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, एफ आई और एक्स आई, सॉरी एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार, इन दोनों को 4 4 16, 6 1 6, 3 6 18, 5 11 55 एंड बस। अब इन सबको टोटल करो, टोटल करने पर कितना आएगा, ये 79 आएगा, 85 आ गया, 85 और 18 103 और 55 158। ठीक, अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, बस उसका टोटल बच्चों कितना है 158 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना आ जाएगा 6.25, 6 जा 150, 80 में कितने टाइम्स जाएगा 25, 3 जा 75, 5 बचा 6.32 विल बी द आंसर। आंसर चेक कर लेना बच्चों इसके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्स आई एफ आई टेन 30 50 70 90 424 28, 16 और 8। अब एफ आई एक्स आई निकाल लो, यह आ जाएगा 40, ये 720, 28 5 सा कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा आई थिंक, यस
अब ये कितना आ जाएगा, 16 7s are 112 720। अब इसको इसका समीशन कर लू, समीशन करके समीशन एफ आई से, समीशन एफ आई कितना है बेटा, ये 52 हो गया, 56 हो गया, 56 66 72 80 आ गया। अब यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1840 1840, और ये कितना आ जाएगा 2120 2160, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक ये 4000, ठीक। x बार कितना आ जाएगा, x बार विल बी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये 4000 डिवाइडेड बाय 80 विच विल बी व्हाट, 50। तो ये 50 आ गया x बार। अब इसके बाद क्या करें, अब इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार, अब एक्स आई माइनस एक्स बार सभी में से 50 वैल्यू माइनस करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं, तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 0, और ये 20 आ जाएगा बेटा, और यहां पर ये 40 आ जाएगा, और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ये निकाल लू, एफ आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 160, ये कितना आ जाएगा 480, इसको रब कर दें, और ये कितना आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 320, और ये कितना आ जाएगा 320। अब ये आ गया 640 740 700 800 800 1280, ये 1280 आ गया। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना आ जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय 80 समेशन एफ आई। सॉल्व करने पर ये कितना, 8 1s are 8 4 बचा, तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।